नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतने कॉल्स आ रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे इतने मैसेज पड़े हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा कमेंट्स है। कुछ बच्चे तो बस यूं बोल रहे हैं कि सर आप कुछ भी बोल के डालो, आप कुछ भी बातें करो, कोई भी अपडेट ले आओ, किसी से जाके बात करो, बस मेरा एडमिशन करा दो। बहुत प्रॉब्लम है, घर वाले पूछ रहे हैं भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। सब लोग इतने शांत क्यों हैं, कोई चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहा है, प्रशासन इतनी मनमानी क्यों कर रही है, ये तमाम बातें जो हैं वो बच्चों को बार बार परेशान कर रही है। आज मैं अभी डिपार्टमेंट आया था, अपने डिपार्टमेंट आया था, तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली इन पूरे एडमिशन प्रोसीजर में हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। जो इस पूरे एडमिशन प्रोसेस का सबसे बड़ा विलन है, उसका आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली किसकी वजह से ये पूरा चीज़ हुआ, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ये लोग सही कर देते, करेक्ट कर देते, तो शायद ये एडमिशन इतना डिले नहीं होता। तो अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना है, और साथ ही साथ दिमाग में ये भी बैठाना है कि स्टार्टिंग में ही आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लाइक जैसे कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मैं अपना एडमिशन ही विड्रॉल कर ले रहा हूँ, मैं ये कर ले रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, अब आपके पास इतनी लड़ाई लड़े हो भाई, हम लोग 1.5-2 महीने की लड़ाई लड़े हैं, और सही मायने में मैं तो कुछ नहीं लड़ा, मैं तो बस ठीक है 2 महीने से आपके साथ लगा हूँ। आप लोगों ने उसके पहले 8 महीने जो अपनी पढ़ाई करी है रात दिन जग के, वो इसलिए थोड़ी करी है कि आप इधर अब अंत समय में आके इस तरीके से होप खोदोगे। तो उम्मीद नहीं खोना है यार, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब ये नहीं कि अब ठीक है सिचुएशंस वर्स्ट है, मैं समझ रहा हूँ बहुत बुरे स्तर से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हार मान लो। आप ध्यान से सुनो, पूरी एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से सुनो। हर किसी को स्टोरी सुनना चाहिए, जितने बच्चे भी हैं, जो भी बच्चे बीचों में आना चाहते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो यूजी के बच्चे हैं, जो पीजी के बच्चे हैं, ये शायद ही बहुत कम लोग को पता होगा कि एक्चुअली ये चीज़ें कहाँ से सही हो सकती थी, और इन सभी आज के इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसका एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, और कहाँ पर ये गलती सही की जाती, उस पर एक्शन लिया जाता, तो आज ये इतना मामला बढ़ता ही नहीं है। देखो, BHU जब अपने सेल्फ डिपेंडेंट था, जब खुद से इंट्रेंस करा, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मेरे टाइम पे चीज़ें बहुत स्मूथ थी, क्योंकि ये चीज़ें जनरली BHU क्या करती थी, अपने लेवल पे एग्ज़ाम कराना, फिर उसका डेटा उन्हीं के पास रहता था और वो डेटा से अपना काउंसलिंग करा लेती। अब इन्होंने हायर कर लिया NTA को, तो एक तो डेटा की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमेशा से रही है, आपने देखा भी होगा कि NTA इनको डेटा नहीं दे रही है। अब NTA के साथ इनका जो कनेक्शन है, जो कन्वर्सेशन है, वो कितना हेल्दी है भगवान जाने। तो एक तो इनका यहाँ सबसे पहला इशू मैंने देखा कि इनका डेटा का प्रॉब्लम रहा। दूसरा, इस बार एडमिशन कमेटी जिस पोर्टल पे काम कर रही है, वो पोर्टल बताया जा रहा है कि न्यू पोर्टल है, मतलब उसको इस बार बनाया गया है, और उसका मैं भी अगर एनालिसिस करूँ तो सच में वो नया है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनर्स बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, पहले ऑनर्स बेसिस पे नहीं होता था। पहले एडमिशन होता था, आपके सब्जेक्ट्स पूरे दिए जाते थे, पूरे कॉम्बिनेशन बेसिस पे दिया जाता था। तो ये 2 चैनल एडमिशन प्रोसेस हो गया, मतलब यहाँ पे 2 बार पेमेंट, 2 बार प्रेफरेंस। भाई लोग सोचता है ना कि जल्द से जल्द एडमिशन हो, हम लोग अपने इस पूरे प्रोसेस को कितनी जल्दी कर ले, ना कि हम लोग ऐसे प्रोसेस को ढूंढ के ले आते हैं जिसमें और बैरिकेटिंग बने, जिसमें और चैनलाइज कर रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने और चैनलाइज कर दिया कि अब आप 2 बार प्रेफरेंस भरो। ऐसा ही तो हुआ आप लोग के साथ, आप एक बार ऑनर्स भर रहे हो, फिर आप चल रहे हो वो भी भर रहे हो। इन लोगों ने 2 बार पेमेंट कर लिया, एक बार कमेंटमेंट फी कर लिया, एक बार फिर से आपका फाइनल एडजस्टमेंट फी चलेगा। अब भाई आप जब 2 बार कर दिए, तो ये भी टाइम टेकन हो गया, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोसेस फॉलो करोगे तो उस प्रोसेस में आपको एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन देना पड़ेगा। तो ये, लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं काउंट करूं, पूरे प्रोसेस को अगर काउंट करूं जो नया पोर्टल उसके अकॉर्डिंग, तो भी ये पूरा 1 महीना में सलट जाना चाहिए था स्मूथली, सलट जाना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए था। अब कहां प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम आई कि जो इनका न्यू एप्लीकेशन था वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। जैसा कि हम लोग मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस में जो ऐप होते हैं वो कई बार अपडेट मांगते हैं, कई बार ग्लीचेज हो जाता है, कई बार हैंग भी कर जाता है। भाई अब इतने कैपेसिटी वाला इनका पोर्टल था ही नहीं कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से वो ग्राउंड लेवल पे, मतलब ट्रायल लेवल पे वो काम करते नज़र आए। होता क्या है कि जब कोई पोर्टल बनता है तो उस पोर्टल पे पहले बार तो काम बहुत पहले एक बार होना चाहिए, मतलब पब्लिक, जैसे इन लोग का जो पोर्टल होता है, कोई भी जो होता है ना, एक होता है लाइक एडमिनिस्ट्रेटर,
लॉगिन, ठीक है, और एक होता है जो हम लोग देखते हैं। तो जनरली जब पोर्टल बना, कम से कम इसको एक साल पहले ही बनाना चाहिए था, इसकी ट्रायलिंग होनी चाहिए थी प्रॉपर, और कुछ डेटा के साथ एक एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था इंटरनली। अब इन लोगों ने ट्रायल किया, लेकिन इतना समय भी नहीं था कि इस ट्रायल की मेरिट्स, डीमेरिट और होने वाली कमियों को ये लोग देख सकें और समझ सकें, और इस पे काम करते चले गए। और ये बार बार देखने को मिला कि कभी पोर्टल से आइकन गायब हो जाना, किसी का गलत पेमेंट चला जाना, किसी को गलत मेल चला जाना, किसी का गलत एडमिशन, मतलब ये पूरा एक बड़ी कहानी जो है इस हम लोग को देखने को मिली, ऐसा हुआ। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें सही कैसे हो सकती थी और रिस्पॉन्सिबल कौन है एक्चुअली। देखो, टीम बनाई जाती है एडमिशन के लिए, टीम बनाई जाती है, आपको पता ही है, जैसे कि सीएसी जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है, एक टीम है, इसके ऊपर एक यूएसबीसी समथिंग करके है, ठीक है, जो कि पॉलिसीज बनाती है, उसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, जो पॉलिसीज बनाती है। दो कमेटी हो गई, इसके बाद एक और कमेटी होती है रिव्यू कमेटी, वो क्या करती है एडमिशन के प्रोसेस को रिव्यू करती है। और इन जो मैंने आपको एक जो कमेटी का नाम है मुझे नहीं याद आ रहा है ना, जो यूएसबी समथिंग करके जो है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उस कमेटी का जो मेन चेयरपर्सन होता है वो हमारा वीसी ही होता है, ऐसा होता है। जब इन लोगों ने देखा कि सीएसी से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, एडमिशन में लगातार गड़बड़ी नज़र आ रही है, तब ये जो कमेटी है इसको क्या करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं है मीटिंग नहीं होता, मीटिंग होता है, लेकिन मीटिंग में जब पता चल गया कि हाँ ये गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी पे इनको तुरंत क्या करना चाहिए था, सही करने के लिए नए एक्सपीरियंस मेंबर्स को हायर करना चाहिए था। पहली बात, जो नए में जो इस बार की टीम काम कर रही है इस पोर्टल पे, ये एक्सपीरियंस है, लेकिन इस पोर्टल के साथ एक्सपीरियंस नहीं है। और कहीं ना कहीं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एडमिशन कमेटी में कुछ ऐसे मेंबर्स की कमी रह गई जो कि इस एडमिशन प्रोसेस को हैंडल कर सकते थे, वो वर्स कंडीशन में भी इसको सही करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंस पर्सन को कमेटी में नहीं लिया गया। और दूसरी बात, जो रिव्यू कमेटी बनाई गई, उन रिव्यू कमेटीज ने सही से या तो रिपोर्ट नहीं दिया वीसी को, या खैर अब तो मैं वीसी को ये बोलूंगा ही नहीं कि वीसी को रिपोर्ट नहीं दिया गया, क्योंकि भाई ये पूरे सोशल मीडिया पर एकदम छाया पड़ा है। अब आप ये मत देखो कि आपके कमरे तक कौन रिपोर्ट लेकर आया, कौन मुझे सही बता रहा है, कौन मुझे सच बता रहा है, कौन मुझे झूठ बता रहा है, ठीक है। तो अब वो मैं रिव्यू कमेटी को भी गलत नहीं मान सकता कि हाँ रिव्यू कमेटी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रिव्यू कमेटी का काम, रिव्यू कमेटी एक बार झूठ बोल भी दे रही है आपको, तो आपका काम ये बनता है कि सोशल मीडिया पे जो इतना थूथू मैमै हो रहा है, तो कम से कम आप उसके बेसिस पे एक्शन लो, कम से कम आप सीएसी से पूछते कि क्यों ये सब चीज़ें इतनी वर्स्ट कंडीशन में चली गई, क्यों इतना लेट हो रहा है, हमें भी ऊपर जवाब देना है, एजुकेशन मिनिस्टर से बातें करनी है, कॉन्फ्रेंसी करना होता है, कई जगहों पे हमें सेमिनार करने हैं, वेबिनार करने हैं, वहाँ पे पूछा जाएगा नए सत्र की शुरुआत हुई कि नहीं, बच्चे आए कि नहीं, तो आप इसका आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो एक्चुअली वीसी साहब को क्या करना चाहिए था, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, जब ये पहला इनका एक टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ था 16-18 का आया था, तो उस समय जब ये चीज़ें जब नहीं हुई, तो इनको क्या करना चाहिए, रिव्यू कमेटी को क्या करना चाहिए, पूरा रिव्यू करके पहले तो उनको सामने क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। और इनको जब पता चला तो ये सीएसी की मीटिंग बुला के उसमें तुरंत रिफॉर्म करना चाहिए, इमीडिएटली रिफॉर्म करना चाहिए, समझ लो कि नहीं, मतलब कि मेंबर्स में कमी है तो नए मेंबर्स ले आओ, पोर्टल पे काम नहीं सही चल रहा है तो इंजीनियर सही हायर करो भाई। अब एकदम मतलब इसमें पता है क्या इन लोगों को क्या लगा कि चलो जाने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, सो जाते हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं एक और मेरे को जो समस्या नज़र आई पूरे इस प्रोसेस में, वो है प्रोफेशनलिज्म का। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो न्यू एडमिशन कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लगते तो नहीं होंगे वीसी साहब के, लेकिन काइंड ऑफ एक रिलेशन है, या उस पूरे कमेटी मेंबर्स में जो लोग हैं ना, क्योंकि देखो कोई किसी का साथ क्यों देता है, जब आप देख रहे हो कि मेरा दोस्त गलत कर रहा है तो आप उसको तुरंत चेकआउट करोगे ना, लेकिन ये क्या है कि आप उसको पर्दा डाल रहे हो, कब से उस पर बस आग लग गई है तो उस पर धूल डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आग क्यों लगी है, उसके बेसिक एकदम चीज़ को नहीं समझ रहे हो, हाँ कहाँ से इसकी पूरी उस जहाँ पे एकदम मेन गलती हुई है उसको पकड़ के सही करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि वीसी साहब जो हैं उन्होंने इस प्रोसेस पे मतलब एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब स्टार्टिंग
मैं बोला ना टेंटेटिव शेड्यूल जो था लगभग 16-17 तारीख का जो टाइम रहा होगा, उस टाइम पे जब चीज़ें नहीं हुई तभी उनको मीटिंग बुला के इस चीज़ को सही करने का एक अच्छा सा मौका मिला था, लेकिन वो चीज़ जो था वो उन्होंने मिस किया, कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया। और अब अगर हम लोग नए VC साहब की कहानी सुनना चाहें तो उनका यहाँ का एक पुराना मैनर है कि वो मिलते नहीं हैं, ठीक है, ये है, वो मिलते नहीं हैं। मैं इतने सालों से हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनको शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी वगैरह को मैं वो ग्राउंड में देख पाता हूँ, मेरे पीछे जो ग्राउंड है। तो ये बात सच है कि वो मिलते नहीं हैं। यहाँ के बहुत सारे प्रोफेसरों को भी शिकायतें हैं कि वो बस मीटिंग्स वगैरह जब कभी बुलाते हैं वो भी अपने हिसाब से बुलाते हैं, तो कभी कभी मिल के बैठ के बात कर लेते हैं, अदरवाइज किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उनसे मिल के डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। अगर आपको बात करनी है तो आप उन्हें मेल करिए, वो मेल की मेल पे रिप्लाई करते हैं। बाकी तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ही अब एक ऐसे इंसान के हाथ में है, लाइक एक ऐसे VC के हाथ में है जो अपने आप को इतना सुप्रीम समझता है, जो अपने आप को इतना सुप्रीम समझते हैं कि मतलब कोई कॉमन पर्सन मेरे से बात नहीं कर सकता है। देखो, विश्वविद्यालय संभालने के लिए पहली बात तो मैं समझता हूँ कि एक बार नॉलेज को भी इग्नोर कर दूँ ना तो उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। ये पूरा एडमिशन किसी भी सिस्टम में अगर मोरालिटी नहीं है तो सिस्टम फेल हो जाएगा। खासकर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये नैतिक मूल्यों से चलते हैं। ये ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉट लाइक कि ये पूरा कोई रूल्स और बहुत बड़े रूल्स की बुक जो होती है उस बेसिस पर चलेगा भाई। ये तो ये जो है लाइक जो शिक्षा विभाग जो है ना, ये तो बच्चों का है, टीचर्स का है, गुरु शिष्य का है, तो रूल्स के साथ साथ इसमें नैतिक मूल्यों का भी पालन करना चाहिए। हम आपके छात्र हैं, आपको विश्वविद्यालय दिया गया है, तो विश्वविद्यालय को कितना अच्छा बना सकते हो, विश्वविद्यालय में कोई कमी है तो उसको दूर कैसे कर सकते हो, इस पर आपको विचार करना है। ना कि आपको एक बिल्डिंग दी गई और आप बस उसको देखने भी नहीं आते हो और आप अपने आप को इतना महान समझते हो कि मतलब आपको लगता नहीं कभी कि हाँ इस चीज़ को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। मैं इतने दिनों से, जबकि मैं पता है मैं कई बार प्लान किया कि मैं इनको कभी 11-12 पॉइंट्स लिख के मैं दूँ यहाँ, पता है बिलीव नहीं करोगे, लास्ट टाइम एडमिशन कमेटी के सामने मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे थे, अगर वो पॉइंट्स इस बार इम्प्लीमेंट हो जाता तो कुछ बच्चों को पहली बार तो कमाने का सुविधा मिल जाता। मैं यहाँ पर एक स्कीम रखा हुआ था, ये पुराने एडमिशन कमेटी को पता होगा कि हाँ नीर ने एक ऐसा पॉलिसी मतलब बात की थी इस पर। मैं हमेशा इनको एक अच्छा आइडिया और सुझाव देने की कोशिश किया, लेकिन होता है ना कि आदमी के अंदर घमंड और गुरूर, इन्हें लगता है कि मतलब पहली बात तो कॉमन सबको समझते हैं यार, मतलब यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, आप मेरे आइडियाज़ आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है कर दो, लेकिन आपके जो आइडियाज़ हैं आप कम से कम उसको तो फॉलो किए होते। ऐसा नहीं है, मैंने पता है मैंने बहुत अच्छा, मैंने कम्युनिकेशन के लिए इनके पास कॉलिंग का मैंने एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बोला था, और मतलब मैं पूरा यूट्यूब का जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है ना ये पूरा ही ख़त्म हो जाता, ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों से ही करवा लेता है और उन्हें पैसे ही मिल जाते, ऐसा मैंने आइडियाज़ इनको दिया था, लेकिन इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, ऊपर से पूरा नया ला दिया और पता नहीं सब कैसा कचड़ा कर दिया, समझ रहे हो। तो सभी दोस्तों से पहली बात तो एक रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत हो, इतनी लड़ाई लड़े हो, ठीक है, तो ये नहीं कि अब पैनिक हो के पीछे हट जाओ, पैनिक हो के ठीक है जो हुआ मैं तुम्हें बताता ही रहता हूँ यार कि मैं अपने टाइम पे, अभी के अंदर की कहानी तो और है बहुत, मतलब देखो दो कहानियाँ सुनाता हूँ समझो। पहले होता क्या है ना कि जो इंजीनियर्स होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, अभी कैंपस में आओगे तो जब इंजीनियर्स जो डॉक्टर होते हैं जो IMS के बच्चे हैं जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो यहाँ की प्रोक्टोरियल बोर्ड की जो टीम होती है ना दोनों साइड से जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें रोक देता है, मतलब आप आराम से क्रॉस करो, उन्हें इतनी ज़्यादा लाइक एक वैल्यू दी जा रही है। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि भाई उन्हें वैल्यू मिले, उनका इज्जत हो, उनका रेस्पेक्ट हो। सेम IITians के साथ है, उनके मेस में जाके एक दिन खा लोगे तो कहोगे अरे यार रोज़ मिलना चाहिए इतना अच्छा भोजन। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो कहीं ना कहीं जानती है कि जो इंजीनियर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो इनको अपना प्रोडक्ट समझती है, उनको अपना एसेट समझती है, वो बाद में उसको यूज करेंगे। और ये भी पता है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स आवाज़ नहीं उठाएंगे, कभी सुना है कभी कि कभी डॉक्टर इंजीनियर धरना कर रहा है, ऐसा IIT वाले को धरना करते नजर आए, बहुत रेयर केस में कभी कोई सिचुएशन हुआ होगा, IIMS वाले को भी धरना करते नजर आए, बहुत रेयर केस में सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा,
लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो कोर्सेज चलते हैं ना, जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लाइक जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोग को हल्के में लेती है, मतलब हम लोग के जो कोर्सेज हैं ना, इनको हल्के में लेती है। हमारे लिए कोई पॉलिसीज भी नहीं है कुछ खास, हमारे लिए कुछ प्लेसमेंट्स नहीं है इन सब कोर्सेज, कहाँ कुछ प्लेसमेंट है। गवर्नमेंट क्या भाई, आपके पास गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जॉब के कुछ ऑप्शंस होते हैं, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर अपना देखो बिजनेस वगैरह, यही सब तो रहता है। मतलब एक अलग स्टोरी है, आपके इस एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको जो बात समझाने चाह रहा हूँ, हम समझ रहे होंगे। तो आखिर गवर्नमेंट अगर सपोज कि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे भी क्या फोकस्ड होती, अब इसको फोकस करने के लिए कमेटी बनी है, मतलब यूजीसी है मान लो, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम होता है कि यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना, फंड करना, सब कुछ होता है। इवन बहुत सारी और भी कमेटियां हैं, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ही है पूरा, वही वो भी तो ये सब काम कर ही सकती है, लेकिन ये लोग रिव्यू लेते हैं कभी? आज के समय में अगर यूजीसी अगर एक बार भी इनसे पूछी होती, मतलब पूरे आप भाई आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जाहिर सी बात है यूजीसी ने तो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अब यूजीसी ने अगर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो यूजीसी का क्या राइट नहीं बनता है कि हमने आपको जब प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया था तो आप क्या कर रहे हो अभी तक? आपने क्यों एडमिशन नहीं दिया बच्चों को? आप क्यों ये पूरा महीना लॉस कर रहे हो? क्यों ये 6 महीने का कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? कैसे कंप्लीट करोगे 6 महीने का कोर्स? पता है जो बड़े लोग होते हैं ना, कभी ये दिमाग में सोचना कभी, ये भाई अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते हैं यार। अभी जस्ट गाड़ी गई, पता है कम से कम 4 गाड़ियां आगे थी, 4 गाड़ियां पीछे थी, और बीच में किसी एक पर्टिकुलर वीआईपी गाड़ी जा रही है इतनी भी। अरे यहाँ का एक हॉस्टल वार्डन अपने आप को बहुत बड़ा तूफान समझता है भाई, ऐसा मतलब वही बोला नैतिकता की कमी। अबे भाई तुम कौन से बारूद हो, मतलब समझती क्या हो खुद को यार, इंसान ही हो। मतलब आपको एक एजुकेशन सेक्टर में डाला गया है, आप एक शिक्षक के तौर पे, भाई एक बार मैंने देखा एक प्रोफेसर यहाँ पे बंदूक लेके चल रहा था। अरे भाई प्रोफेसर के जॉब कर रहे हो यार बंदूक, मतलब क्या है ये? ऐसे मतलब कई सारी कहानियां हैं भाई, तुम यार कितने गधे टाइप के यहाँ पे इंसान है यार, ऐसे प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर यही लोग प्रमोट होके कोई कहीं रजिस्ट्रार बन जाता है, कोई कहीं वीसी बन जाता है, अपने आपको बहुत बड़ा दादा समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मालवीय जी ने इतना बढ़िया विश्वविद्यालय बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने सालों में हमारे देश की बहुत बड़ी नाकामी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा और विश्वविद्यालय नहीं बन सका। हम बस काशी विश्वविद्यालय का नाम ले लेके कब तक प्राउड करेंगे? हमारे पास आज हमारे देश की सही मायने में विकास तब मानी जाती जब हम लोग इस विश्वविद्यालय जैसा और विश्वविद्यालय खड़ा कर देते, जिससे कि ये जो जगह जगह के बच्चे बार बार परेशान होते हैं पढ़ाई के लिए, वो अपने आसपास में कहीं पढ़ाई कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और एक विश्वविद्यालय अगर इनको मिला तो उस विश्वविद्यालय की भी जो पूरी प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस, प्लेसमेंट उसका, ये सब एकदम डमाडोल है। मैं कह रहा हूँ कि वेयर इज प्लेसमेंट सेल? काशी विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल इतना नीचे है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी कुछ लगता है कि व्हाट्सएप प्लेसमेंट कराते हैं लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के। तो जबकि मैं जिस नज़र से देखता हूँ विश्वविद्यालय को, मतलब मैं ये देखता हूँ कि हाँ एक्चुअली मेरे को ये चीज़ें मिल जाती है। सपोज कि मैं वीसी हो जाता कुछ समय के लिए, या मैं इनके एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हो जाता, मुझे ठीक है वो उतना पद मत दो, आप बस मेरे आइडियाज लो। और मैं सच बताऊं ना, मेरे आइडियाज की जरूरत नहीं है इन लोग को, ऐसा नहीं है, ये सब बहुत दिमागी हैं, करना नहीं चाहते। मैं बोला दादा टाइप के आदमी है, मतलब एक जो होता है ना गुंडा टाइप के, तो ये गुंडागर्दी है, सरासरी गुंडागर्दी है, बस ये समझ लो ना गुंडागर्दी। मतलब इनको पता है कि इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, कोई उखाड़, ये बात सच है यार, सच मैं आपको एक बात बता दूं, सच में इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिगाड़ने वाला इंसान ही इनको उस पद पे बैठा के रखा हुआ, क्यों बिगाड़ेगा इनका? ये सब इनकी मिलीजुली सरकार है, ये सब लिंक्ड है एक तरफ से, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, विश्वविद्यालय को भ्रष्ट बनाने का एक पॉलिटिक्स है पूरा। मैं बोला ना कि जो मैं अपनी नज़र से इस विद्यालय में देखता हूँ, जो मुझे कमी, सबसे बड़ी नैतिकता की कमी है, सबसे बड़ी कमी है नैतिकता की। आप अगर नैतिक मूल्यों से एजुकेशनल सेक्टर को नहीं चला रहे हो तो इसका मतलब आप कभी भी उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से रन नहीं करा सकते हो। कुछ प्रोफेसर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ फैकल्टी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आईआईटी आईएमएस सही है, उसी तरीके से यहाँ का लॉ सही है, वहाँ की क्लासेस सही से चलेंगी, प्रॉपर चलेंगी, समय से रिपोर्ट आ जाएगी, और कॉमर्स भी सही है कुछ हद तक, कुछ प्रॉब्लम्स आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन सही है।
एग्रीकल्चर थोड़ा सही है, RGST में जो कोर्सेज चलते हैं वो भी कुछ हद तक सही हैं। आदमी जितना मैं बताया कि अगर इन कोर्सेज की तरह ही बाकी कोर्सेज को रन कराना तो भी शिकायत नहीं मिलता। अभी आप आओगे ना क्लासेस को लेकर बड़ा परेशान रहोगे कि अरे ये क्लासेज ऐसे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि देश के बाकी शिक्षा विभागों में भी यही हो रहा होगा। ये बात भी मैं एकदम श्योर हूँ देश के हर एक, क्योंकि भाई हमारे यहाँ कभी शिक्षा पे बात नहीं हुई है। ये मीडिया वाले दो कौड़ी के इंसान, ये सब एकदम ख़त्म इंसान है। इनको वो सीमा हैदर नज़र आ जाएगा, इनको कोई फालतू अभी भारत पाकिस्तान का कोई फालतू सा मुद्दा हो वो इनको नज़र आ जाएगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे अब ये गधे अपने देश के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, अभी उनके लिए तो बात कर ले यार, अभी उनको तो बताओ कि हाँ एक्चुअली क्या चल रहा है विश्वविद्यालय लेवल पे, कैसे वो अपनी स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, इस पर कभी क्यों लेट हो रहा है। एक क्वेश्चन आप एक बार इनको, किसी सोशल मीडिया ने इनको कवर किया हो, बड़े चैनल ने कवर किया हो कि हाँ क्यों लेट हो रहा है, या क्या इंटरनल एजुकेशनल स्टेटस है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। पता है ये सब नालायक पता है कब आते हैं, ये जितने भी खत्म क्वालिटी गधे दो कौड़ी के इंसान पता है कब आते हैं, ये आएंगे भीटी उटी घूमते नजर आ जाएंगे, जब चुनाव आता है तब, चुनाव आ जाएंगे तो रिव्यू लेने आएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे क्या चाहते हैं, किसको जिताना है 24 में। अबे दो कौड़ी के इंसान चप्पल लेके मारो, इनको भगा दो यहां से भाई, और क्या मतलब है। तुम मेरे इस टाइम पे मुझे साथ देने नहीं आ रहे हो, अभी आगे मेरे से मीडिया रिपोर्टिंग करो ना, मेरे से पूछो कि हाँ क्या एक्चुअली इंटरनल स्टेटस है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के, मेरे साथ पूछो ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं शाम में।